सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अंकित। कैसे हैं आप? सो गाइस, आज जो टॉपिक मैं क्लियर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये हर किसी इंसान के लिए बना हुआ है, बट कोई भी चैनल बहुत ही रेयरली इन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। बट मैं आज इस टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूँ। लोग पूछते हैं मुझसे, सर कितना पानी पीना सेफ होता है या कितना पानी पीना ज़रूरी होता है एक इंसान को एक दिन में। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। आपके आगे क्वेश्चन आते हैं कि एक दिन में इंसान को 8 लीटर पानी पीना चाहिए, 4 लीटर पानी पीना चाहिए या 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, अक्सर आता है। तो ये एक तरह की सेल्फ मेड थ्योरीज हैं। जी हाँ, लोगों ने खुद से बना रखी है कि इतने पानी पीना चाहिए, उतना पानी पीना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे कितना पानी पीना है और ना ही मैं बता सकता हूँ कि आपको कितना पानी पीना है। शौक क्यों? ये भी सुन लो। क्योंकि गाइस, जब हम ऐसी चीज़ों को सुनते हैं तो मेरे खुरापाली दिमाग में, जी हाँ, मेरे खुरापाली दिमाग में अलग से क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। हर क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है, यकीन मानो। तो क्वेश्चंस क्या उठते हैं और हो सके तो खुद से पूछना, कैसे? क्या एक बच्चे को भी 8 ग्लास पानी पीना चाहिए? क्या एक वुमेन को भी 8 ग्लास पानी पीना चाहिए? क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी 8 ग्लास पानी पीना चाहिए? क्या एक मैन को भी 8 ग्लास पानी या 4 लीटर पानी, जो भी रिकमेंडेशन आप सुनते हो लोगों से, कितना पानी पीना चाहिए उतना ही पीना चाहिए? या यही रिक्वायरमेंट एक एथलीट के लिए सेम होगी, जिसको जो वर्कआउट करता है, जिसको काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, जो काफ़ी वाटर बॉडी से डिप्लीट कर देता है, निकाल देता है ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो हम इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन के साथ घिर जाते हैं। तो फिर आप अपने आप को सोचोगे कि यार मैं किस लाइन में आता हूँ? क्या मैं एक बच्चा हूँ? क्या मैं एक ऐसा हमारी तरह ऐसे लोग हैं जो जिम में परफॉर्म करते हो, जिनका 1 से 1.5 लीटर पानी तो ड्यूरिंग वर्कआउट ही, क्या बोलते हैं, कंज्यूम हो जाता है? तो आप सोचते हो कि यार ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पी ले रहा हूँ, क्यों? नहीं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो 8 ग्लास पानी या 4 लीटर पानी या 4.5 लीटर पानी की कंजप्शन लोगों ने रिकमेंड कर रखी है, इस पर कोई भी ठोस रिसर्च नहीं है। जी हाँ, हर किसी की रिक्वायरमेंट वाटर इंटेक की सेम नहीं होती। आपको अपने आप से ये चीज़ समझना होगा कि मुझे कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये साइंस क्लियर समझ में आ जाते हैं बॉडी के लिए कि मुझे पानी की कमी हो रही है, मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, क्लियर समझ आता है। तो हर इंसान की वाटर रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, किसी दूसरे की अलग होगी। एक ऐसा पर्सन जिसको ओवर स्वेटिंग होती है, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते होंगे और उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, तो गाइस उनके बॉडी से भी वाटर बहुत ज़्यादा जल्दी निकल रहा है, तो उनको का वाटर इंटेक भी ज़्यादा रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वेटिंग होती नहीं, काफ़ी देर तक स्वेटिंग नहीं होती, बहुत हार्ड इंटेंस वर्कआउट करने के बाद उनको थोड़ी बहुत स्वेटिंग होती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। जी नहीं, आप कहोगे उनको तो पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर आप इन दोनों लोगों को क्या सेम कैटेगरी में डाल सकते हो कि इन्हें भी 4 लीटर पानी पीना है और जिसे स्वेटिंग नहीं होती उसे भी 4 लीटर पानी पीना है? नहीं, ये आप और मैं नहीं डिसाइड कर सकते, ये हमारी बॉडी खुद डिसाइड करती है। जी हाँ, ये हमारी बॉडी खुद ये चीज़ फिक्स करती है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। और ये जो एक्सेस वाटर होता है, ये पूरी बॉडी हमारे फुल डे डाइट में काउंट होता है। जी हाँ, हमारा जो 4 लीटर पानी, 4.5 लीटर या 8 ग्लास पानी जो हम सुनते हैं, वो इसके ऊपर नहीं तय करता कि हम सिर्फ एक वाटर यानी कि सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें भी पानी है। आप जो खाना खाते हैं उसमें भी पानी है, मिल्क पानी है, मतलब कि हर एक सोर्स, लिक्विड सोर्स में से पानी निकलता है और वो ही पानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है। उसके लिए आपको अलग से 4 लीटर पानी या 4.5 लीटर पानी काउंट करने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी इतना स्मार्टली काम करती है इस चीज़ के लिए कि वो हर उस सोर्स से जिससे उसको थोड़ा सा भी पानी मिलता है, वो उससे पानी निकाल लेती है। ये कॉमन बहुत छोटा सा काम है बॉडी का, इससे भी कई ज़्यादा काम बॉडी करती है हमारे लिए, हमारी जानकारी के बिना।
तो आपको इतना चिंता होने करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना लीटर पानी रोज़ पीना है या कहीं लिख के रखना है या 4 लीटर 4 बोतल पानी रखे हुए हैं कि मुझे आज दिन भर में इतना कंज्यूम करना है। ठीक है, वो आपका चॉइस है, बट फिर भी इतना मत सोचो इस चीज़ को लेकर के कि मुझे कितना पानी पीना है या कितना पानी नहीं पीना है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो। किसी भी तरह के डाउट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस में और जो लाऊंगा वो आपके काम आए। ठीक है, थैंक यू।